तो हाँ भाई, रूपाली और मैं स्कूल टाइम से साथ में, ये यहाँ पे दामनोद आती थी स्कूल, तब मैं इसको देखने जाता था बस स्टैंड पे। खाना चाहिए ना भाई, देखो हस्बैंड वाइफ ज्यादा साथ में खाना खाते हैं ना तो उससे प्यार बढ़ता है, और मैं तो बोलता हूँ एक ही थाली में खाना चाहिए, उससे ज्यादा प्यार बढ़ता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइज मैं रूपाली का गाना सुनाना चाह रहा हूँ। बात कोई सियाणी लिख दूं के तेरे पे कहानी लिख दूं के मैं खुद ने राजा लिखना चाहूं तने मेरी रानी लिख दूं के। भाई अभी देखो आज का सीन ऐसा है, आज का सीन में आपको बताता हूँ। रूपाली और मैं जाने वाले हैं हॉस्पिटल, सोनोग्राफी कराना है, तो अभी जाना पड़ेगा हमको। तो मेरी मम्मी जरा उधर से मेरे को कॉल करेगी कि अपना नंबर वंबर लग गया है, तब तू आ जाना। नहीं मतलब अभी लगानी है, अभी लगाएंगे थोड़ी देर बाद हमारा नंबर वहाँ पे, तो फिर जाऊंगा मैं रूपाली को लेके वहाँ पे। लेकिन उसके पहले अभी मेरे को जाना है जरा एक जगह, थोड़ा सा काम है मेरे को। और गाइस देखो मेरी टी शर्ट पैर के बैठी है। लड़कियों की एक चीज़ अच्छी है कि अगर मेरी टी शर्ट कोई सी इसको जम जाए तो ये पहन सकती है, बाकी अगर इसकी कोई सी टी शर्ट हो वो मैं नहीं पहन सकता। अब ये इस टी शर्ट को पहन के बाहर भी जा सकती है, लेकिन हाँ तोड़ देना, तोड़ दे। तेरे दहेज की है, तेरा दहेज और तेरे को उठा के फेंक दूंगा बाहर। जैसे मैं दहेज की है, इनका कोई हक नहीं है, बोल नहीं सकता मैं, तोड़ू कि जोड़ू कि फेंकू कि दान करूं। ओ बाप रे। तो गाइस अभी मैं जाऊंगा थोड़ा बाहर, बाकी उसके पहले मैंने एक रील डाल दी इंस्टाग्राम पे, वो जाके देख लेना। देखो मैं रूपाली के अकाउंट से स्टोरी लगा रहा हूँ इधर, और यही मैं इसको गाना सुनाना चाह रहा था। गाइस 40 के करवा दो फॉलो। इसको ना लालच आ गई, अभी इसने एक दिन स्टोरी लगाई थी कि गाय कैसे बोला था, एक बार बोल के होता क्या बोला था, क्या बोला था? 30 के करवा दो प्लीज। तो भाई इसके 30 के हो गए, उसी के अगले दिन इसके 30 के हो गए। आप सबको दिल से धन्यवाद, मेरे 30 के करवा दिए, आप 40 के भी करवा दो। 40 के भी करवा देंगे। बाकी भाई मैं इसको गाना सुना रहा था, बात कोई सियाणी लिख दूं के तेरे पे कहानी लिख दूं के मैं खुद ने राजा लिखना चाहूं तने मेरी रानी लिख दूं के। जब ये गाना पहली बार निकला था ना, तब मैंने लगाया था, निकला था अपन होली पे और नहाने गए थे कलगाट। हाँ तब मैंने लगाया था, अपने डाला था उस मतलब अकाउंट पे डाला था, मतलब उस रील्स पे डाला था, उस समय की बात है। बाकी फिर अभी क्या पहन के जाएगी, साड़ी के टी शर्ट? अभी दो दिन से नाराज बैठी रूपाली मेरे से, बोल रही कि रील बनाते होशियार बनते है ज्यादा, अंदर दिमाग कर खोपड़ी घूम गए ना, मैं रील भी बनाऊंगी और ब्लॉग में भी नहीं कभी आऊंगी। नहीं 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 भाई, आज देखो आज का टाइम जो है मेरा सुबह का टाइम, चले जाऊंगी तू मायके चले जाना, मैं तुझे देखूंगा। आना भी पीछे पीछे ले जाऊंगा। भाई इसका घर है ना ज्यादा दूर नहीं, मैं पैदल पैदल आ जाऊं तेरे घर, मां कसम। तो मैं पहले ऐसे करती थी, यहाँ स्कूल आती थी ना। अच्छा अब एक और चीज़ अच्छा याद आ गया, स्कूल से याद आ गया, पहले मैं बोल लेता हूँ फिर तू बोल लेना ठीक है। देखो एक लड़की है जिसने मेरे को मैसेज उस कमेंट करा था कि भैया तुम स्कूल टाइम से साथ में हो, तो हाँ भाई रूपाली और मैं स्कूल टाइम से साथ में, ये यहाँ पे दामनोद आती थी स्कूल, तब मैं इसको देखने जाता था बस स्टैंड पे, जो नितिन किराना की दुकान है ना वहाँ पे मैं इसको देखने जाता था। समोसा मिर्ची खाता था, 10 रुपए के 3 लगती थी मेरे को शाम को, 10 के 3 समोसे ला के देता था 5 बजे जब ये घर जाती थी, है ना। और खाती थी, मेरी मम्मी ने बोला, मेरी मम्मी बोलते हैं किसे लाग दिए, तो मैं बोलती थी कि मैंने लिए पैसे इकट्ठे करके। आप चल तेरी स्कूल वाली बात बता दे, ठीक है इसका जवाब मिल गया ना। नहीं मैं से बोली जैसे हम स्कूल आते थे ना, जैसे हम पेपर चलते थे ना, तो हम फिर क्या करते, चलो आज पास में तो दहीवर, तो हम है ना पैदल आते थे, तो पैदल ऐसे बातचीत करते करते आते थे, आईटीआई में होटल है ना, फिर नाश्ता करते थे। आईटीआई में कहाँ पे, रोड के ऊपर होटल है? हाँ, वो होटल है ना। अच्छा जो इधर के हाथ पे। अरे लॉकडाउन चल रहा था ना, अच्छा तो अभी जाते नहीं थे बस पहले, अभी वो चल रहा, तो फिर हम ज्यादा गरज किसी की करते है नहीं, आदत नहीं है। और बाप रे। तो पापा मेरे को लल्ला बोलते है, तो अगर अपन खा पी लेंगे तो बोलेंगे अरे हाँ मैं छोरी है खा लेंगे, पति अगर खा जाएंगे तो ऐसे एकदम वो कर लेंगे, मेरे बिना पूछो खा ले, मेरे बिना पूछो खा ले, मैं ऐसा करता हूँ क्या? हाँ, लड़े खाना नहीं खाते। हाँ, तो खाना नहीं खाते तो मैं बोलूं जल्दी भूख लगती है कभी कभी, या लेट कभी कभी आते हैं, मेरे को भूख लगती है तो मैं खाऊंगी नहीं तो क्या करूंगी, तो मैं जल्दी खा लेती हूँ खाना, तो लड़ाई करते हैं मेरे से, कहो तू जल्दी खा लेती है, मैं साथ में नहीं खाती। खाना चाहिए ना भाई, देखो हस्बैंड वाइफ ज्यादा साथ में खाना खाते हैं ना तो उससे प्यार बढ़ता है, और मैं तो बोलता हूँ एक ही थाली में खाना चाहिए, उससे ज्यादा प्यार बढ़ता है। तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ घूमते फिरते चाय वाय पी ले तो तुमको भूख
हम तो घर रहते हैं ना, हम तो काम तो दिन का खा लिया करना, मैं बोलता हूँ दिन में खा लिया कर। एक बार तो खाती हूँ मैं काम को, खाती एक बार मैं खाती हूँ फिर हम काम करते हैं घर का। मैं बोल रहा हूँ शाम को, शाम के समय, शाम के समय साथ में खाना चाहिए खाना। गाइस अगर आप देख रहे हो, मतलब अगर आप दे मेरी आवाज को क्या होगा, अरे अगर आप देख रहे हो तो हस्बैंड वाइफ साथ में एक ही थाली में खाना खाओ, प्यार बढ़ता है। लेकिन हम दोनों शुरू शुरू में खाते थे, अब नहीं खाते क्योंकि इसको ना कम पड़ता है। फिर ब्लॉग में नहीं आऊंगी, ये भी नहीं आऊंगी, वो भी नहीं, आज मैं चलूंगा ना तेरे साथ। मैं दो तीन दिन से बोली जानू मेरे को रील शूट करना है। पहले मैं नहीं बोलती थी तो पहले ये बोलते थे तो, और मेरा पहले मन नहीं होता था तब खूब बोलते थे, मेरे से लड़ाई करते थे कि रील शूट करते, और अब मेरा खुद का मन होता है मैं आगे से बोलती हूँ ना तो करते, नहीं तो फिर चिड़ नहीं आएगी। नहीं भाई आज इसके साथ रील शूट करना, आज मैं जाऊँगा इसके साथ रील शूट करने के लिए। पति भी बोलते थे अपन एक बार में पति की बात सुन लेते हैं ना, पत्नी कहीं बोले सुने नहीं तो फिर तो पति को। चल ठीक है मैं जाता हूँ ना अभी, तो मैं काम निपटा के आता हूँ मेरा, फिर तो करते हैं फिर कर। मैं तो बनाती नहीं कभी, मैं सोच ही लेता तब तो कहीं रील भी बनाऊं तो ब्लॉग में भी नहीं आऊं कहीं। माफ कर दिया मेरे को, माफ कर दिया लड़कनी औरत ने, माफ कर दिया। इस दिन में जाने वाले हॉस्पिटल, शाम हो गई अभी तक हम हॉस्पिटल नहीं जा पाए, लेकिन अभी तुम्हारे भाई ने एक ब्रांड प्रमोशन करा जिसके लिए तुम्हारे भाई ने बताया ये क्या करा, ये छाती के बाल है ना पूरे निकाल दिए और तुम्हारा भाई होगा पूरा चिकना। बाबू मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया, पड़ जाओ। मेरे को कौन उठाएगा? तुम्हारा भाई। कौन भाई? भोला भाई। भोला भाई, भोला भोला का तो बोला, तेरे को याद है मैंने तेरे लिए एक लड़की को खुला प्रपोज करा था, तेरे लिए करा था, हाँ याद आया। पर तेरी भाभी तेरे को एक लड़की सेट नहीं करा के दे रही। अरे भाभी तो कोई काम के नहीं है रे, उनका काम करा करो। उसका उसका नाम पता है, उसका नाम पता है, आर पे से आता है। अरे आर पे से है कौन? और शुरू में आता है बता दूं? अरे तो मत लाइल करो रे, ज्यादा करो रे। नाम लिया क्या हमने? अरे फिर भी यार रूपाली नाम लिया क्या अपन ने? मेरे को एक बात बता। हाँ क्या करूं? डाल तो हो गया ना। अच्छा तो उसको पसंद करता है क्या? इसको वो छोरी? हाँ पापा बोल रहे दाल का भी ध्यान रखना। अच्छा मैं कोई बात होता, चलो चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ ना, एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें, कुछ चीजें हाइड करके दिखाऊंगा, एक सेकंड है ना रुक जाओ। रूपाली की एक फोटो दिखाता हूँ तुम्हें, लेकिन हाइड करके दिखाऊंगा, देख एक सेकंड यार। देखो कुछ चीजें ना उस पर चले आएगी तो फिर मेरे को मजा नहीं आ पाएगा। रुको तुम्हें मैं जूम करके दिखाता हूँ, तुम्हें मैं जूम करके दिखाता हूँ। गाइस ये देखो रूपाली की फोटो बचपन की, कितने साल की थी तू इस फोटो में? अभी की है वो। अभी की कब की है? इसकी फोटो देखो गाइस है ना, अभी की तो नहीं लग रही यार भाभी, ये 11वीं में की है, पुरानी फोटो है ये। कितने साल की फोटो है वो? कौन सी है? हाँ जो देखी तूने 10वीं की फोटो है। प्रोफाइल बन जिए। हाँ, तो उसके लिए संदेम नहीं थी मेरा, वो काल डब्बे। हाँ तो बोले काल संदेम डलवाना था, मैं तो वहाँ गई थी धर्मपुरी, अपन गए थे ना। तो पता देखो देखो ऐसे घूंघट में देखे, पता मेरे को एक गाना याद आता है। आसो तो देखिए चुप के नहीं कैसा देखो अच्छा आचल में अच्छा ठीक फिर से गा देता हूँ। अच्छा कौन सा गाना आया था बताओ? घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, रे चुप कैसे देखेगी साजन को सजनी। गाइस हम बैठे हॉस्पिटल में, कैसा लगा अंदर जाके? कैसा लगा? कैसा लगा? गाइस बहुत अच्छा लगा हॉस्पिटल आके। पता है यहाँ पे क्या करवाया? क्या करवाया यहाँ पे? सोनोग्राफी करवाई, और सोनोग्राफी फोन आ गया एक सेकंड। भाई सोनोग्राफी भी हो गई बढ़िया तरीके से, और रूपाली तो इतनी ज़्यादा खुश है ना, मैं तो बता नहीं सकता उसकी खुशी जब वो अंदर से सोनोग्राफी करवा के आई तभी मेरे को दिख गई थी। गाइस तुम्हें मैं अब बताता हूँ हॉस्पिटल क्यों गए थे हम। भाई हॉस्पिटल इसलिए गए थे कि एक बार हमने सोनोग्राफी कराई तो हॉस्पिटल से बोला गया था कि एक बार आप और आना 15-20 दिन के बाद, तो हम जा नहीं पाए थे। फिर उसके बाद अभी हमने सोचा, मतलब अभी चौथा महीना चल रहा है, तो हमने सोचा कि चलो एक बार और सोनोग्राफी करवा लेते हैं।
तो हम आज गए थे तो हॉस्पिटल में सोनोग्राफी करवा ली और बढ़िया रिजल्ट आया। सोनोग्राफी में ये बताया जाता है कि बच्चा कैसा बन रहा है, मतलब उसका मुंह कितना बड़ा है, पैर कितने बड़े हैं और मतलब कैसे तैयार हो रहा है वो दिखाया जाता है सोनोग्राफी में। मतलब जो चौथा पाँचवा महीना होता है उसमें एक बार सोनोग्राफी करवा लेना चाहिए अगर किसी ने स्टार्टिंग से नहीं करवाई हो और उसमें पता नहीं चला हो कि क्या सीन रहता है, इसलिए बोला जाता है। तो हम आज गए थे हॉस्पिटल, सोनोग्राफी करवा ली और उसमें दिखाया गया कि बच्चा हेल्दी है, बढ़िया है। और ये तो नहीं बताते कि लड़का है कि लड़की है क्योंकि ये तो कानून के सख्त खिलाफ है, इसलिए ये चीज़ नहीं बताते। तो सिर्फ इतना बता कि उसका सिर जो है कितना बड़ा है, उसके हाथ पैर कितने बड़े हैं और हेल्दी है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें बताई। तो उस तरीके से तो रिज़ल्ट बढ़िया आया कि बढ़िया है, हेल्दी है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सुन के तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उस हॉस्पिटल में मेरे दोस्त की बहन ही काम करती है, तो जब रूपाली की सोनोग्राफी हो रही थी तब उसने बोला भी था कि दीदी भैया को बुला लो, बाकी इसको सुनाई नहीं दिया तो फिर इसने मेरे को आवाज़ भी नहीं दी और मैंने देखा भी नहीं। बट अभी जस्ट मैं वहाँ से आया हॉस्पिटल से तो रिपोर्ट पड़ी तो नॉर्मल, सब ओके गुड, तो मेरे को अच्छा लगा। और फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश है, मेरे पापा तो भाई बता नहीं सकता इतनी ज़्यादा खुशी है मेरे पापा को, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा खुशी है, मेरी दादी को भी, और वी ऑल आर हैप्पी, मतलब हम सब हैप्पी हैं इस चीज़ से, तो मेरे को भी अच्छा लगा। बाकी अभी इधर पीछे चल रहा है खाना खाने का सिस्टम, रूपाली मम्मी पापा सारे जने खा रहे हैं। इसने मेरे को बोला तुम खाओगे, तो मैंने कहा नहीं मैं खाऊंगा थोड़ी लेट, क्योंकि जस्ट मैंने अभी काम करा, मतलब अभी मैंने काम करा थोड़ा बहुत और अभी मेरे को और काम करना है तो फिर मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, तो मैंने कहा बाद में खाऊंगा। तो ये खा रहे हैं खाना, अपन अपना काम करते हैं। तो ब्लॉग को करते खत्म, ओके टाटा बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और मैंने ना एक प्लान करा था कि मैं मेरे साडू भाई के यहाँ पे जाऊँगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको मैं बाइक पे कहीं ले जा नहीं सकता, तो डचके वचके रहते उसमें दिक्कत होती है, तो अब नहीं लेके जाऊँगा मैं इसको कहीं पे भी। अब रहेगी सिर्फ रूपाली घर, अपना ध्यान रखेगी, अपनी केयर करेगी और मैं भी उसके साथ हूँ। बाकी जो भी करना आप तुम्हारा भाई अकेला करेगा, सारी चीज़ें बाहर जाना ये करना वो करना, अब सारी मतलब चीज़ें मेरे ऊपर आ गई है, तो उसको इन सब में थोड़ा कम इंक्लूड करेंगे कि बाहर जाना आना करना ये सब चीज़ें। तो भाई अभी व्लॉग को करते खत्म, ओके टाटा बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और तुम मेरी फैमिली हो इसलिए मैं तुमसे ये सारी चीज़ें सब शेयर करता हूँ, ठीक है। वैसे ये सारी पर्सनल चीज़ें होती है, ये बताना नहीं चाहिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ क्योंकि मैं तुम सबको मेरी फैमिली समझता हूँ। तो प्लीज़ भाई तुम भी मेरे को अपनी फैमिली समझो।